الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات برمحمد. एक मरतबा और बुलंद तर सलावत। बिरादरान अज़ीज़, क़ुरान हकीम के सूरह मुबारक मुल्क की इब्तदाई दो आयतें आप हज़रात के सामने गुज़श्ता दो शबों से तिलावत कर रहा हूँ, और अभी तक एक सांस में तर्जमा करने की हिम्मत पैदा नहीं कर सका हूँ कि मैं इन दोनों आयतों का तर्जमा करके आगे बढ़ जाऊँ, इसलिए कि जो मेरे सामने मुश्किलात हैं उसका अंदाज़ा आपको मेरी गुज़श्ता दो गुफ्तगुओं से हो चुका होगा। क़ुरान हकीम का तर्जमा करना एक एतबार से बहुत आसान है और एक एतबार से बहुत मुश्किल है। अगर साहिबान ईमान का इस्तिलाहन साहिबान ईमान का मजमा ना हो और पहली मर्तबा किसी के सामने क़ुरान हकीम की कोई आयत पेश की जा रही हो तो उसके सामने तर्जमा करना बहुत आसान है। लेकिन अगर सामईन वो हैं कि जो एक उम्र से कुरान की तिलावत करते आ रहे हैं तो फिर उनके सामने कुरान मजीद का तर्जमा सादा तौर पर करके गुजर जाना न कुरान के साथ इंसाफ है और न उन तिलावत करने वालों के साथ। इसी एतबार से गुज़श्ता दो शबें जो गुफ्तगुएं हुईं उनमें मुकद्दमात का बयान ज़्यादा होता रहा और आखिर बहस में किसी एक कलमे के मफहूम या मिसदाक की तरफ इशारा हो सका। कल गुफ्तगु जहाँ तक पहुँची थी आप हजरात के अजान आलिया में होगी। मैंने गुजारिश की थी कि जब हम किसी को यदुल्लाह कहते हैं, जब हम किसी को ऐनुल्लाह कहते हैं, जब हम किसी को लिसानुल्लाह कहते हैं, जब हम किसी को जम्बुल्लाह कहते हैं, तो ये सिर्फ हमारा अदबी खराज अकीदत नहीं होता, ये हमारा कोई सिर्फ शेरी खराज अकीदत नहीं होता, ये अल्फाज का सिर्फ
अदीबाना या खतीबाना तसर्रुफ नहीं होता, बल्कि इस कायनात में जो निज़ाम वजूदी है उसकी ज़रूरत यह है कि कुछ मज़ाहिर सिफात इलाहिया पाए जाएं। वरना गरज़ो गायत खिलकत कायनात ही हासिल न होगी। अब इस मुकदमे के बाद जब मैंने इस वक्त गुजारिश की कि अगर मज़ाहिर सिफात इलाहिया का वजूद ही न हो तो गरज़ो गायत खिलकत कायनात हासिल न होगी, ये विजदानन भी आपने इस कौल को कबूल कर लिया। अदबी एतबार से कोई तकल्लुफ नहीं हुआ, मंतकी और फलसफियाना और हकीमाना फिक्र के एतबार से भी कोई जहमत नहीं हुई जहन को, सिर्फ अल्फाज को बदल कर अगर अब ये कहा जाए कि हकीकत में गरज़ो गायत खिलकत कायनात नूर मुहम्मदी है तो फिर इसमें कौन सा इख्तिलाफ हो सकता है। तो फिर बात तो वहीं पहुंचती है कि लौला कलमा खलक तो अफलाक, अगर आप ना होते तो हमने अफलाक को खल्क ही ना किया होता, कायनात को खल्क ही ना किया होता, न ये ज़मीन होती न ये आसमान होता। ये सब इसलिए है कि दरमियान में वो वास्ते फैज़ इलाही है कि जिसका नाम मुस्तफ़ा है। एक बलंतर सलावात पढ़ें। और सिर्फ एक वास्ता नहीं है बल्कि वसायत का एक सिलसिला है, और उस पूरे सिलसिले का एतराफ़ इसलिए ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे निज़ाम अकायद का हिस्सा है, इसलिए ज़रूरी है कि वो इस कायनात के तकवीनी असबाब में से एक सिलसिला या असबाब है। यद का कलिमा अगर इस आयत में न होता तो शायद इतनी तवील बहस में न करता। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, तमाम मुकदमात आपके जहनों में होंगे कि ज़बान खुद इस्तेआरा है और इस कायनात में जो कुछ है जितने अनासिर हैं उन सब की दो हैसियतें हैं, एक मुस्तकिल हैसियत है एक इस्तेआराती हैसियत है। उसूल फ़िक्ह एक इल्म है, उसके इस्तिलाह में हम कह सकते हैं कि एक इस्तिक्लाली हैसियत है एक आली हैसियत है। इस्तिक्लाली हैसियत कहते हैं कि जो मुस्तकिल हैसियत हो, आली उसे कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंटल हो, बतौर आला इस्तेमाल किया गया हो, और वो भी दो होती हैं, एक हकीकी और एक एतबारी, एक ऑब्जेक्टिव और एक महज एतबारी रिलेटिव या जहनी। तो जनाब वाला अगर ये पूरा मुकदमा जहन में है तो कल एक बात सरसरी तौर पर कहकर गुजर गया था कि इस निज़ाम कायनात में जितने अनासिर हैं वो सब इस्तेआरात हैं मावराई हकीकतों के, यानी दो दुनियाओं का तसव्वुर तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं न उस कौल की तरफ जा रहा हूं कि जो फलासफा और हुकमा का है जो तीन दुनियाओं के कायल हैं, और न उस कौल को पेश कर रहा हूं कि जो उरफा का मसलक है जो पांच दुनियाओं के कायल हैं, और ये गालिबन इस सिलसिले गुफ्तगू में मुमकिन भी नहीं होगा। तह बतह पांच दुनियाएं हैं उरफा के मसलक के तहत,
और हुकमा और फलासफा के मसलक के तहत तीन दुनियाएं हैं। एक ये दुनियाए मादी है जिसे हम अपनी इन आंखों से देखते हैं, एक वो दुनियाए मिसाल है जिसे हम उस वक्त देखते हैं जब ये आंखें बंद होती हैं। और जब ये मैं कह रहा हूं कि उस वक्त देखते हैं जब ये आंखें बंद होती हैं, तो आप ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ कब्र में जाकर, जी नहीं, इस दुनिया में शुक्र अदा कीजिए उस परवरदिगार का कि जो आपको हर 24 घंटे में एक तजर्बा मौत का देता है, एक जिंदगी का। रोज वो जायका मौत का चखाता है, रोज वो जुरए आब जिंदगानी भी पिलाता है। इसीलिए वो दुआएं जो मासूर हैं कि जो सआदतमंद हजरात हैं वो उस पर अमल करते हैं, उसमें कहा गया है कि जब रोजाना सुबह उठो तो फौरन सबसे पहले ये करो कि सजदे खालिक में झुक जाओ, जमीन पर सर रख कर ये कहो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। हम्द है उसके लिए, तारीफ है उसके लिए, सपास व शुक्र है उसके लिए कि जिसने मौत के बाद दोबारा हमें जिंदगी दी। व इलैहिन नुशूर, और बिल आखिर उसी की बारगाह में पलट कर जाना है। ये सिर्फ उरफा के लिए मखसूस नहीं है, ये सिर्फ उलमा के लिए मखसूस नहीं है, ये सिर्फ तालिबान इल्म दीन के लिए मखसूस नहीं है, हर फर्द मुस्लिम पर ये मुस्तहब है। लेकिन ये याद रखिए कि बाज़ मुस्तहब ऐसे होते हैं जो वाजिबात व फराइज़ से कहीं ज्यादा बाअसर भी होते हैं और बासवाब भी, और असर भी होते हैं और उनमें सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर पूछते हैं क्या बताइए ये कहना मुस्तहब है? जी हाँ मुस्तहब है। वाजिब नहीं है? जी नहीं वाजिब नहीं है। तो फिर न कहूँ तो क्या हरज है? आप ना कहिए, क्या हरज है? ये तो वहाँ मालूम होगा कि क्या हरज हुआ। ना हमने निज़ाम शरीयत बनाया है और ना हम हर हरज व मरज को मुकल्लफ हैं। मुज्तहिद का काम है हुक्म का बता देना, सवाब मुअय्यन करना उसका काम है। मुज्तहिद का फरीजा नहीं है कि वो सवाब मुअय्यन करे, इसलिए कि हर हर फर्द बशर के हसब ज़र्फ हो, हसब मारिफत हो, हसब ताअत वहाँ सवाब मुअय्यन होता है। कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि इस उम्र के लोग आएंगे तो इतना सवाब। इस नौ के लोग आएंगे तो इतना सवाब। इस सिन्फ के लोग आएंगे तो इतना सवाब। औरतें आएंगी तो इतना सवाब। मर्द आएंगे तो इतना सवाब। बच्चों का इतना सवाब। तालिब इल्मों का इतना सवाब। उलमाए दीन का इतना सवाब। हो सकता है कि किसी आलिम दीन को कुछ सवाब ना मिले, किसी जाहिल को इतना सवाब मिल जाए कि आलिम उस पर गिब्ता करे। हर हर फर्द के हसब ज़र्फ, हसब मारिफत और हसब ताअत वहां सवाब मुअय्यन होगा, और सवाब का मुअय्यन करना उसका काम है, मुज्तहिद का काम नहीं है। मुज्तहिद का काम तो है हुक्म का बता देना। हो सकता है वो किसी वाजिब अमल का बहुत मामूली सा अज्र दे, और किसी मुस्तहब अमल का इतना अजर दे कि सिर्फ वाजिबात पर जोर देने वालों की आंखें खीरा हो जाएं। अल्लाह
तो मीजान सवाब अलग है, मीजान हुक्म अलग। मीजान सवाब अलग है, मीजान हुक्म अलग। और इसकी बहुत मशहूर मिसाल, बहुत मारूफ मिसाल ये है कि कहते हैं कि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है, मगर सलाम करने वाले का सवाब ज्यादा है। जवाब देने वाले का सवाब बहुत कम है। और बाज़ हज़रात ने रियाजियाती ज़बान में जाहिर किया है कि सलाम करने वाले का सवाब 99 है और जवाब देने वाले का सवाब सिर्फ 1 है। तो जहाँ 99:1 का रेशियो हो वहाँ पर आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मुस्तहबात और वाजिबात का कहाँ हम पैमाना मुकर्रर कर सकते हैं। हर चंद के हर मुज्तहिद, हर फकीह, हर मुहद्दिस, बल्कि हर आमी भी इस बदीही मसले से वाकिफ है। बदीही यहाँ जाहिर है कि मंतिकी इस्तिलाह नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बदीही यानी सामने का मसला है। इतना मशहूर हो चुका है, इतना मारूफ हो चुका है कि अब कोई इसकी दलील नहीं पूछता, अब कोई दलील नहीं मांगता। सब जानते हैं कि मुस्तहब है सलाम करना, सब जानते हैं कि जवाब देना वाजिब है, सब जानते हैं कि सलाम का सवाब ज्यादा है, जवाब का सलाम कम है। इसमें कोई बहस नहीं करता, ना सलाम करना तर्क करता है। बल्कि कोशिश सबकी यह होती है, हर सआदतमंद, हर नेक, हर साहिब ईमान इंसान की कोशिश ये होती है कि सलाम में वो सबकत करे। जो शख्स मुंतजर हो कि मुझे सलाम किया जाए, उसे सलाम करने की कहीं कहीं पर ममानअत भी की गई है। कहीं कहीं मना किया गया है कि जो शख्स मुंतजर रहे कि मुझे सलाम किया जाए, उसे सलाम ना करो। कहीं कहीं ये भूल ना जाइएगा, हर जगह नहीं। कल भी ऐसा ही हुआ था, मैंने तकरीर में चंद जुमले ऐसे कहे कि दरमियान से दो एक जुमले किसी अजीज ने गालिबन या सुने नहीं या सुन कर फरामोश कर दिए। और जाहिर है कि फरामोश कर दिए जो कह रहा हूँ मुहावरतन, वरना कोई फरामोश करता नहीं है आमदन। फरामोशी एक इज़्तिरारी अमल है, फरामोशी एक इज़्तिराबी अमल है कि जो बेइख्तियार ये अमल हो जाता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये दो बयानात आपके एक ही गुफ्तगू में, एक ही तकरीर में इस तरह कैसे मुंसजिम हो सकते हैं, कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। सवाल ये था कि एक जगह आपने कहा कि हर पैदा होने वाला बच्चा जाहिल पैदा होता है जहले वसीद के साथ, और दूसरी जगह ये कहा कि कुछ उसमें मुस्तस्ना हैं, आलिम पैदा होते हैं, और फिर आपने कहा कि तरबियत का असर। लेकिन जब तरबियत की गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने ये कहा था कि अगर आप इस्मत के कायल ना हों, अगर आप इल्म वहाबी के कायल ना हों, अगर आप इलाही मनसब के कायल ना हों, अगर आप आम इंसानी सतह जिंदगी पर ही सोचना जरूरी समझें, ये अगर के फिक्रे अगर हज़्फ़ कर देंगे तो यकीनन नक्स पैदा हो जाएगा। लेकिन वो हजरात के जो सिर्फ इंसानी नुक्ते नज़र से गौर करना चाहते हैं, नबी को एक आम इंसान के नुक्ते नज़र से समझना चाहते हैं, वली को एक आम नुक्ते नज़र से समझना चाहते हैं, उन्हें भी मजबूरन नबी और अली को समझने से पहले उस शख्स को समझना पड़ेगा जिसके आगोश में परवान चढ़कर कोई नबी बन गया, कोई वली बन गया। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और बुलंदतर सलावात।
ابو طالب علیہ السلام صلوات تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تسلسل بھی برقرار رہے. تو اب اس وقت جو عرض کر رہا ہوں کہ سلام کہیں کہیں, یہ کہیں کہیں بھولا نہ دیجئے گا. اگر ایک یہ فقرہ ہی بھول گئے تو پھر بات تضاد نظر آنے لگے گا. تضاد وہیں آتا ہے نظر جہاں تسلسل پر نگاہ نہ ہو. اچھا, تضاد وہیں نظر آتا ہے جہاں تسلسل پر نگاہ نہ ہو, اور تضاد وہیں ہوتا ہے جہاں تسلسل نہ ہو. اور جہاں تسلسل پایا جائے, دہن بہ دہن, سینہ بہ سینہ, علم منتقل ہوتا رہے, وہاں نہ نظام دین میں تضاد ہوتا ہے نہ نظام شریعت میں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو بہرحال اب توجہ باقی رہے تسلسل کے ساتھ, کہ جب مثال آ گئی تھی تو اب مثال کو پورا کر دوں کہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے, اور یہ ایسا سلام ہے کہ جس کے متعلق ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابخل الناس من مر علی مسلم ولم یسلم, بخیل ترین ہے وہ شخص کہ جو کسی مسلمان کے سامنے سے گزر جائے اور سلام نہ کرے. اور یہ معلوم ہے آپ کو کہ بخل کنجی ہے تمام گناہوں کی, تمام اخلاقی رذائل کی کلید ہے بخل, کنجوسی, بخل. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر بخل سے متعلق گفتگو کی ہے, اور یہ فقرہ وہیں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ تمام اخلاقی گراوٹوں کی, تمام اخلاقی رذائل کی. اب اگر کسی نوجوان کو رذائل نہ سمجھ میں آیا ہو تو گراوٹیں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. تمام اخلاقی رذائل اور تمام اخلاقی گراوٹوں کی کلید کنجی بخل ہے, کنجوسی ہے. اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ آخری حد یہ ہے کہ فرمایا کہ سلام جو نہ کرے وہ بخیل ترین شخص ہے, اس لیے کہ آپ کے کیسے زر سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے. سلام کرنے میں آپ کی جان خرچ نہیں ہو رہی ہے, آپ کا مال خرچ نہیں ہو رہا ہے, آپ کی عزت و آبرو پر کوئی داغ نہیں لگ رہا ہے, بلکہ آپ جس قدر جھک کر سلام کریں گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اگر آپ منصب میں بزرگ ہیں, عہدے میں بزرگ ہیں, عمر میں بزرگ ہیں, سن و سال میں بزرگ ہیں, اور پھر بھی آپ سلام کریں تو جس کو آپ سلام کریں گے اس کی نگاہ میں آپ کی منزلت بڑھ جائے گی, آپ کا قد بہت بلند و بالا ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک بات اور ہے, سلام ہے مستحب. فرض کیجئے کہ چند افراد کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص آ جائے اور داخل ہونے کے بعد سلام نہ کرے, تو سب سے پہلے یہ شبہ ہوگا کہ یہ آنے والا ہے کون, آیا مسلمان ہے بھی کہ نہیں. دوسرا شبہ یہ ہوگا کہ آنے والا ہے کس نیت سے آیا ہے, امن پسند ہے یا جا رہے ملاقات کے لیے آیا ہے یا حملہ آور ہو کر آیا ہے, خوشبین ہے یا بدبین. یہ تمام اندیشے پیدا ہو جائیں گے, سوالات پیدا ہو جائیں گے صرف ایک بات سے کہ آیا اور سلام نہیں کیا.
और जैसे ही वो शख्स आकर कहेगा सलाम अलैकुम, वैसे ही ये यकीन हासिल हो जाएगा कि ये मुसलमान है, हालांकि उसने कलिमा नहीं पढ़ा। हालांकि उसने नमाज नहीं पढ़ी, हालांकि उसने रोजा नहीं रखा, आपके सामने उसने हज का तज़किरा नहीं किया, आपके सामने उसने उसूल दीन नहीं दोहराए, आपके सामने उसने अपने अकायद बयान नहीं किए, सिर्फ एक सलाम अलैकुम एक ऐसा फकरा था कि जैसे ही जबान से अदा हुआ आप उसके ईमान और इस्लाम के कायल हो गए। मालूम हुआ बाज मुस्तहबात ऐसे होते हैं कि जिनके अंजाम दे देने से पूरे निजाम अकायद का अंदाजा हो जाता है कि इसका अकीदा क्या है, इसकी हमदर्दियां किनसे है, इसकी वाबस्तगियां किससे है। इसीलिए हम कहते हैं आजादारी वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, मगर इस अमल से अंदाजा हो जाता है कि वफादारियां किनके साथ हैं, अकायद कैसे हैं, अमल कैसे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। ये ना पूछा करें कि सवाब कितना है, एक सलाम करने का कि जो मुस्तहब है सवाब वाजिब के मुकाबले में 99 है। तो अब इस मुस्तहब का सवाब कितना होगा, सवाब मुअय्यन करना उसका काम है, हुक्म बताना हमारा काम है। हम कहते हैं मुस्तहब है, आप में अगर जज्बे इताअत है मुस्तहब समझ कर कीजिए सवाब उतना ही मिलेगा, वाजिब से ज़्यादा सवाब मिलेगा। हो सकता है कि बहुत से वाजिबात से ज़्यादा सवाब मिले, और ये भी नहीं है कि एक मुस्तहब अदा करने के बाद वाजिबात से आज़ादी मिल जाए, ये नहीं है। मुस्तहब अंजाम देना अलामत है इस बात की कि ये वाजिबात का भी पाबंद होगा। मैंने अर्ज किया कि सलाम किया आने वाले ने, और बस उसके सलाम करने से आपको ये अंदाजा हो गया कि ये इंशाअल्लाह मुसलमान है, ये उसूल दीन का पाबंद है, अखलाकियात इस्लामी का जब पाबंद है तो वाजिबात का तो बदरजा औला पाबंद होगा। बस यही कैफियत, यही हुस्न ज़न पूरे आलम इंसानियत को आपके साथ है, पूरे आलम इंसानियत को आपके साथ ये हुस्न ज़न है कि जब ये अहले बैत अथार के ऐसे मुहिब हैं, ऐसे आशिक हैं, ऐसे साहिब विलायत हैं, ऐसे साहिब महब्बत हैं कि जनाबे वाला उनके गम में इस कदर गम मनाते हैं, उनकी खुशी में इस कदर खुशी मनाते हैं, तो इनका अंदाज़े इताअत क्या होगा। एक सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल बात तो वही अल कलाम व यजरुल कलाम, बात से बात निकल आती है। जहन में कुछ था, दरमियान में बस एक फकरा आया और ये मिसाल जहन में आ गई और आपके सामने गुजारिश कर दी कि बहुत सी बातें हैं हमारे मुआशरे में, हर जगह सवालात होते हैं, ये वाजिब है या नहीं, ये मुस्तहब है कि वाजिब, ये मुस्तहब कैसे हो गया है, ये वाजिब क्यों नहीं हुआ,
अब इस जुमले को फिर कहूं, इम्तिहान वाजिब होता है, कुर्बानी वाजिब नहीं होती। इम्तिहान जरूरी होता है, कुर्बानी अदा कर कुर्बानी पेश करना वाजिब नहीं होता, मगर इम्तिहान का रुतबा कम होता है, कुर्बानी का रुतबा ज्यादा। अगर मेरी दूसरी तकरीरें आप तक पहुंची हैं और जहनों में हैं तो मिसाल दे दूं कि जनाब इब्राहिम से इम्तिहान लिया गया था, एक जुमला अर्ज करूं, जनाब इब्राहिम से इम्तिहान लिया गया था, इम्तिहान में पेश होना जरूरी होता है, और इम्तिहान में पेश होना जरूरी भी होता है, और मुमतहिन को यह इख्तियार होता है कि जब मुमतहिन इम्तिहान देने के लिए कोई शख्स आए तो उसको देख कर कह दे बस अब जाइए, इम्तिहान की जरूरत नहीं है। यानी हमें तो बस आजमाना था कि इम्तिहान देने का हौसला है कि नहीं, इम्तिहान की तैयारी आपने की है कि नहीं, आप आ गए इम्तिहान हो गया। ये इख्तियार है मुमतहिन को, इम्तिहान लेने वाले को, लेकिन जब कोई कुर्बानी लेकर जाए तो कुर्बानी कभी रद्द नहीं की जाती। और फिर ये भी याद रखें, ये भी याद रखें कि इम्तिहान जब तक जरूरी होगा, जब तक इम्तिहान का सबब पाया जाएगा उस वक्त तक इम्तिहान जरूरी होगा, जब इम्तिहान का सबब बाकी नहीं रहेगा तो इम्तिहान गैर जरूरी हो जाएगा, जब सबब बाकी होगा इम्तिहान वाजिब होगा, सबब बाकी नहीं होगा तो न सिर्फ ये कि इम्तिहान वाजिब नहीं होगा बल्कि मुस्तहब भी नहीं रह जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, हैं? जरूरत ही नहीं है। एक बार इम्तिहान हो गया, किसी मनसब पर आप फायज हो गए, और जब तक वो मनसब की जगह खाली है, जब तक वैकेंसी खाली है, जब तक पोस्ट खाली है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी मदरसे में प्रोफेसरशिप खाली है, अब वो एडवर्टाइज किया जा रहा है, अखबार में दिया जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, हैं? आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ में भी सियासतें होती हैं, आप जानते हैं, चाहे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने, चाहे डीन ऑफ फैकल्टी ने, चाहे वाइस चांसलर ने तय कर लिया हो कि प्रोफेसर किसे बनाना है, फिर भी दिखाने के लिए सही कोई ना कोई एडवर्टीज़मेंट ज़रूर पेश किया जाता है ताकि उन पर इल्ज़ाम ना आए। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हैं कि एडवर्टीज़मेंट दे दिया गया कि साहब प्रोफेसरशिप के लिए जो जो लोग उम्मीदवार हों आ जाएं, और उसके बाद सब आ गए। जब तक प्रोफेसरशिप खाली रहेगी, इंटरव्यू इम्तिहान होता रहेगा, जैसे ही वो जगह पूर हो जाएगी अब इम्तिहान नहीं होगा। वाज़े है, वाज़े है, जनाब इब्राहिम से इम्तिहान लिया गया था इसलिए कि इमामत का मनसब खाली था। इम्तिहान में आ गए, इमामत का मनसब दे दिया गया, और वहीं उन्होंने सवाल कर लिया मेरे बाद, का आपकी जुर्रियत में जो मासूम होंगे उन्हें ओहदा मिलेगा, जो गैर मासूम और जालिमीन होंगे उन्हें ओहदा नहीं मिलेगा। कयामत तक के लिए ओहदा पूर हो गया, अब इम्तिहान नहीं लिया जाएगा, कुर्बानियों का दरवाजा खुला रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। Salam, salam, salam.
अब देखिए बात से बात निकलती चली आ रही है। मुझे अर्ज तो कुछ और करना था, लेकिन एक फ़िक्रे ने जहन को इधर मुलतफित कर दिया। अर्ज ये कर रहा था कि गुज़िश्ता शब की गुफ्तगू जिस मंजिल तक पहुँची थी और जिस मंजिल से शुरू हुई थी, उसमें मैंने जो अर्ज़ किया था वो एक फ़िक्रा ज़रूरी ये था कि इस दुनिया में हर चीज़ एक मुस्तकिल हैसियत रखती है, एक इस्तेआराती हैसियत रखती है। और अर्ज़ किया था कि पानी हिदायत का इस्तेआरा है, पानी इल्म का इस्तेआरा है, पानी हयात का इस्तेआरा है, हयात का भी इस्तेआरा है, इल्म का भी इस्तेआरा है और हिदायत का भी इस्तेआरा है। और खाक के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि ये कुव्वत का इस्तेआरा है, और हवा के लिए मैंने अर्ज़ किया था कि ये फ़िअलियत का इस्तेआरा है। अब ये कुव्वत और फ़िअलियत, यहाँ पर मैंने एक फ़िक्रा कहा था कि जो कल तिश्नाए तकमील रह गया, और कहा था कि देखिए मैं किसी मफहूम में कह रहा हूँ, आप किसी और मफहूम में समझ रहे हैं, और ये होता है। अब देखिए यहाँ पर एक मिसाल जो इससे पहले अपनी कई तकरीरों में कई शहरों में अर्ज़ कर चुका हूँ, आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत से ऐसे हमारे अफराद होंगे कि जिनके सामने ये मिसाल नहीं आई होगी, और वही मिसाल पेश कर रहा हूँ इसलिए कि उसमें एक मकसदियत है, एक इफादियत है। देखिए कभी हकीकत एक होती है, लेकिन मुख्तलिफ जावियों से जब उसे देखा जाता है तो उसकी तारीफ़ बदल जाती है, उसका नाम बदल जाता है, उसकी तौसीफ़ बदल जाती है, हैं, उसकी डिफिनेशन बदल जाती है, हालांकि हकीकत एक होती है। खारिज में हकीकत एक, लेकिन मुख्तलिफ उलूम में उसकी तारीफ जुदा जुदा। और उसकी वो मिसाल जो मैं आमदन पेश करता हूँ ताकि जवानों और नौजवानों को याद रहे, इसलिए कि जनाब मशकूर हुसैन याद साहब को तो याद ही होगी, वो ये है कि आप एक मुट्ठी खाक उठा लें और ये खाक लेकर आप किसी माहिर तबीयात साइंटिस्ट के पास चले जाएं और कहें कि ये क्या है, तो जाहिर है कि अगर आप उसके पास बहैसियत साइंटिस्ट गए हैं और वो समझ रहा है कि आप उससे मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि सवाल कर रहे हैं, तो फिर वो अपने फ़न की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में जवाब देगा कि ये मैटर है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड नहीं है, इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं, ये सब तफसील वो बताएगा। ये डिफिनेशन है मिट्टी की, यानी ये मादा है, ठोस शक्ल में है, और ये एक ममजूज है, मुरक्कब नहीं है, और इसमें बहुत से दूसरे बसीत अनासर हैं, बल्कि बहुत से मुरक्कबात भी हैं इसमें हैं। ये सब आप सुन के आए और उसके बाद वही खाक लेकर कुम्हार के पास चले गए। वही खाक, वही मिट्टी, तब्दील नहीं किया, न कफे दस्त को बदला, न उस मुश्ते खाक को बदला, वही लेकर ऐसे ही चले गए और कहा कि बताइए ये क्या है। वो कहेगा कि ये बहुत अहम चीज़ है, ये रॉ मटेरियल है, हम इससे बर्तन बनाते हैं। डिफिनेशन बदल गई तारीफ। और वही उसी तरह आप किसी मुज्तहिद के पास आ गए, किसी फकीह के पास आ गए, किसी तालिबे दीन के पास आ गए, हैं, तो आपने पूछा ये क्या है, तो वो कहेगा कि ये अहदुत तहूरैन, अल्लाह ताला ने अज़राह रहमत व शफ़क़त बंदों के लिए दो चीज़ें बनाई हैं, अगर वो नजीस हो जाएं तो पाकिजगी के लिए एक पानी है, और अगर पानी मैसर ना हो तो ये खाक है। ये मिट्टी है तयम्मुम के लिए, और फरमाया आपने, तो मालूम है चीज़ तो एक थी मगर मुख्तलिफ फ़नून और उलूम में जब गए तो उसी चीज़ की शक्ल बदल गई, तस्वीर बदल गई,
मफहूम बदल गया। मिसदाक तो एक था मगर मफहूम बदलता रहा। मिसदाक एक था मगर मफहूम बदलता रहा। ऐसे ही कभी कभी होता है, खारिज में मिसदाक एक होता है, मफहूम बदलता रहता है। जब कोई तारीख दां उठाकर देखता है तो देखता है कि ये फर्जंद अबू तालिब है। जब कुरान सूरह हम में बात करता है तो कहता है ये सिरात मुस्तकीम है। जब आगे बढ़ के बात करता है तो कहता है ये इमाम मुबीन है। जब आगे बढ़ के बात करता है तो कहता है ये सालिहुल मोमिनीन है। जब आगे बढ़ के बात करता है तो कहता है ये नबए अजीम है। जब आगे बढ़ के बात करता है तो ये कहता है ये कद्र मुसल्लम। मालूम हुआ कि हकीकत एक है, नाम मुख्तलिफ होते चले गए। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले। अब एक जुमला याद रखिएगा, अक्सर पूछते हैं कि कुरान मजीद में नाम क्यों नहीं है, और इसका जवाब मैं सिर्फ ये देता हूं कि ये बताइए नाम कहां नहीं है। भी कुरान का ऐसा नहीं है जिसमें मौला का नाम मौजूद ना हो। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। इसी सूरह मुल्क में याद नाम अली है। बात कहीं से कहीं पहुंच गई तो फिर पलट कर वहीं आ जाएं कि मैंने अर्ज किया था कि खाक कुव्वत का इस्तियारा है और हवा फ़ेलियत का इस्तियारा है। ये कुव्वत और फ़ेलियत फ़लसफ़े की दो इस्तिलाहें हैं, कुव्वत और फ़ेलियत। कोई चीज़ होती है बिल कुव्वा और कोई चीज़ होती है बिल फ़ेल। बहुत संगीन बहस है। ये ज़िंदगी के दो अतराफ़ हैं, ये हस्ती के दो किनारे हैं, ये हर ज़र्रे मुमकिन के की दो इंतहाएं हैं। और फ़लसफ़े में ये दकीक मसला है क़ुव्वत व फ़ेलियत का। जिन्होंने मुल्ला सदरा पे काम किया हो उनको तो समझने की ज़रूरत नहीं है, नौजवानों के लिए कह रहा हूँ। तो ये क़ुव्वत व फ़ेलियत समझ के जाइए के इसे अगर एग्जैक्टली वही तो नहीं है, बिल्कुल वही तो नहीं है, लेकिन उससे मिलती जुलती एक तकरीबी तारीफ आपकी केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और थर्मोडायनेमिक्स के उसूल में आती है। और वो ये है कि एनर्जी की दो किस्में हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब ये बात तो मैं बुज़ुर्गों के लिए कही नहीं सकता, ये तो नौजवान ही समझेंगे। ये तो छठी सातवीं आठवीं के बच्चे ही समझेंगे कि एनर्जी की दो किस्में, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती रहती है ना। यही है कि जिंदगी की सलाहियतें जब तक जाहिर न हो, जब तक सलाहियत फेल न बन जाए, उस वक्त तक कहते हैं बिलकुवा, और जब वो फेल बन जाए तो उसे कहते हैं बिल फेल। वाजे है। अब जाहिर है कि जब मदरसे में और मदरस में क्लासरूम में समझाई जाएगी ये बहस तो दूसरी तरह समझाई जाएगी, मगर मैं वाकयान मैं तो बहुत महसूस होता हूँ
کہ اس ممبر پر اور اس فرش عزا پر وہ دقیق مسائل کہ جو فلسفی کی کلاس میں ہفتوں سمجھے اور سمجھائے نہیں جا سکتے وہ یہاں چند سیکنڈوں میں سمجھ لیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ برکت ہے اس فرش عزا کی، یہ برکت ہے اس فرش عزا کی، اور یہ فیضان جاری ہے اس صاحب منبر کا کہ جو دنیا سے سلونی سلونی کہتا چلا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس معصوم کا نعرے سلونی آج بھی گونج رہا ہے، اور توجہ سے اگر دل کی سوئی اس کی طرف کر کے کچھ سوال کرو تو اب بھی وہ جواب دیتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے ایک دقیق مسئلہ، اور اسی لیے بس جملہ آ گیا ہے تو کہوں، ہمارے بہت سے جوان نوجوان بچے پریشان ہوتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجئے، امتحان ہونے والا ہے ہم پاس ہو جائیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ ذرا دعا کیجئے گا ہمارے بچے کے لیے کامیاب ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ایک طرف دعا کی فرمائش، دوسری طرف اضطراب، اور اضطرار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اذان ہو گئی اور نماز کا پابند بچہ بھی پڑھائی کے میز پر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے نماز نہیں پڑھیں گے، کل امتحان ہے تیاری کرنی ہے۔ یعنی ایک طرف دعا کی فرمائش، اور دوسری طرف نماز سے بے توجہی۔ نسخہ کیمیا یہ ہے دنیا میں زندگی کے ہر محاذ پر کامیابی کے لیے، چاہے وہ علمی محاذ ہو، چاہے وہ اقتصادی محاذ ہو، چاہے وہ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ اخلاقی محاذ ہو، کہ مصلی بچھا کر خدا کی عبادت کرو، سجدہ کرو، واجب نمازیں پڑھتے رہو، اور اس کے بعد ان وسائل کا واسطہ دے کر جن وسائل کو اسی نے مقرر فرمایا ہے دعا کرو، کامیابی کی راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اپنے وسیلے نہ بنا لینا، خود سے وسیلہ بنانے کا اختیار نہیں دیا گیا، جہاں خود سے وسیلہ بنایا شرک ہو گیا، انہی وسیلوں کو پکڑنا ہے کہ جو اس نے بنائے ہیں۔ تو آج بھی صدائے سلونی گونج رہی ہے، اور کوئی بھی علمی مسئلہ، کوئی بھی فقہی مسئلہ، کوئی بھی نفسیاتی عقدہ، کوئی بھی گرہ دل میں پڑ جائے یا ذہن میں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ، حسن توجہ کے ساتھ، حسن عقیدہ کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ باب مدینہ علم کو سلام کر کے پوچھو تو صحیح، آقا یہ مسئلہ ہے کون حل کرے گا؟ اکثر ایسا ہوگا کہ بغیر استاد کے حل ہو جائے گا، بغیر کتاب کے حل ہو جائے گا۔ دیکھیے جو حقیقی استاد ہوتا ہے وہ بچے کو کتاب سے بے نیاز کر دیتا ہے، لیکن کتاب کبھی بچے کو استاد سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی استاد کہے کہ بس میرے پاس بیٹھے رہا کرو اور ہم تمہیں تیاری کرا دیں گے امتحان کی، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کتاب کہے کہ بس ہمیں دیکھا کرو اور ہم پاس کرا دیں گے تمہیں امتحان میں۔ تو بس یہ ہے کہ باب مدینہ العلم پر بیٹھ جاؤ،
इल्मी मुश्किलात हल हो जाएंगे। तो बहरहाल अब बात तो ये हो रही थी कि ये फैवान वहीं का है कि कुव्वत फ़ैल की बहस हम मिंबर पे कर रहे हैं, बिल कुव्वा और बिल फ़ैल। खाक कुव्वत का इस्तेआरा है, हवा फ़ैलियत का इस्तेआरा है। यानी चे ये कौन सी बात आ गई, एक तरफ इसका सिरा फलसफे से मिल रहा है, दूसरी तरफ इसका सिरा अदब से, एक तरफ शेर व तखय्युल की दुनिया की बात हो रही है, इस्तेआरे की बात हो रही है, दूसरी तरफ फलसफे की बात हो रही है। कुव्वत बिल कुव्वा किसे कहते हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा मुज्तहिद होता है बिल कुव्वा, हर पैदा होने वाला बच्चा शायर होता है बिल कुव्वा, हर पैदा होने वाला बच्चा बहादुर होता है शुजा होता है बिल कुव्वा, हर पैदा होने वाला बच्चा बहुत बड़ा सियासतदान होता है बिल कुव्वा, हर पैदा होने वाला बच्चा बहुत बड़ा समाजी मुदब्बिर होता है बिल कुव्वा। यानी क्या, यानी ये कि परवरदिगार जालिम नहीं है। वो जब आपके आगोश में समरए जिंदगी अता फरमाता है, जब वो मेवए दिल अता फरमाता है, जब वो खुनकी चश्म अता फरमाता है, जब वो आपको औलाद से नवाजता है, तो वो आपके बच्चे में तमाम सिफतें रख कर भेजता है। यानी जो बच्चा आपके आगोश में आ रहा है, अगर आपने उसकी तरबियत में कोताही नहीं की, तो उसमें मुज्तहिद बनने की सलाहियत है, उसमें शायर भी बनने की सलाहियत है, उसमें साइंटिस्ट भी बनने की सलाहियत है, उसमें डॉक्टर भी बनने की सलाहियत है, उसमें एक कानूनदान बनने की सलाहियत भी है। दुनिया का कोई भी फन हो, कोई भी इल्म हो, कोई भी हुनर हो, वो बच्चा उस हुनर में यकताए जमाना हो सकता है, उसमें कुव्वत पाई जाती है, उसमें सलाहियत छुपी हुई है, उसमें इस्तेदाद है मगर खाबीदा। सारी सलाहियतें बच्चे में छुपी हुई हैं। अब अगर उसमें तरबियत और तालीम का माहौल उसे हासिल हो गया, तो फिर आप जैसा चाहे बना लें। मुज्तहिद बनने के लिए जरूरी नहीं है कि इराक में पैदा हुए हों या ईरान में। साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी नहीं है कि अमेरिका में पैदा हुए हों। शेक्सपियर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि इंग्लैंड में पैदा हुए हों। मैं कहीं से कहीं पहुंच जाता हूं, लेकिन पहुंचता सिर्फ नहीं हूं, चाहता हूं साथ साथ लेके चलूं। लोग जोर देते हैं कि तालीम हासिल कीजिए, जदीद तालीम हासिल कीजिए, अंग्रेजी तालीम हासिल कीजिए, और ये डेढ़ दो सदी से आवाज बुलंद हो रही है। मैं इस आवाज की तायीद करता हूं एक तरमीम के साथ, एक तरमीम के साथ, और वो तरमीम यह है कि अंग्रेजी सिखाइए बच्चों को। आज आलमी सकाफत में अंग्रेजी जबान का बहुत दखल है, लेकिन सिर्फ क्लेरिकल जॉब की हद तक अंग्रेजी ना सिखाइए, ऐसी अंग्रेजी सिखाइए कि आपका बच्चा अंग्रेजी में अनीस बन सके, दबीर बन सके, वो आपके मौला की तर्जमानी कर सके, और वो एक नया बाब शुरू कर सके। मामूली अंग्रेजी ना सिखाइएगा, मैं उससे खुश नहीं हूंगा। मैं मेंबर से कह रहा हूं सिखाइए अंग्रेजी, अगर ऐसी अंग्रेजी सिखाइए कि वो कुरान की तर्जुमानी कर सके, वो मौला के फजाइल बयान कर सके, वो मौला के मसाइब बयान कर सके, वो सोज़ो गुदाज जो अंग्रेजी लबो लहजे में नहीं है, वो सोज़ो गुदाज मुंतकिल कर सके। मैं जाता हूं अमेरिका भी और इंग्लैंड भी जाता हूं, ये किसी तजाहुर के लिए नहीं अर्ज कर रहा हूं, और वहां
91 और 92 से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग आते हैं और ये जो बुजुर्ग हैं खुश होते हैं, जो बुजुर्ग नस्ल है, जो मुहाजरीन हैं यहाँ से वहाँ गए। मुहाजिर सिर्फ उसी को कहते हैं, उसी को नहीं कहते कि जो करीबी मुल्कों से हिजरत करके आ गया हो। जितने पाकिस्तानी हजरात अमेरिका गए सब मुहाजिर हैं। लज्जत हिजरत से कोई भी महरूम नहीं है, और हिजरत में एक लज्जत है, हिजरत में एक मजा है, हिजरत में एक कुव्वत है, हिजरत में एक अदब है, हिजरत की अपनी एक तहजीब है, हिजरत की अपनी एक तासीर है। तो जो लोग वहाँ हैं बुजुर्ग नस्ल हमारी, वो जनाब उर्दू के और पंजाबी के और सराइकी के और सिंधी ज़बान के और अपने इलाकाई ज़बानों के मरसियों और नौहों और सोज और सलाम और ज़िक्र व बयान से महजूज़ होते हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पैदा हो रहे हैं, मुझे उनकी भी फिक्र है। हमारे आबाओ अजदाद, देखिए अब ये वो चीज़ें हैं कि जो आमतौर पे मिंबर से नहीं बयान की जाती हैं, लेकिन मैं बयान कर रहा हूँ तो इतना वक्त शुमार नहीं करूँगा। तो हमारे आबाओ अजदाद अरबिस्तान में थे। वाकई करबला अरबिस्तान में हुआ, सबसे पहले जो नौहे पढ़े गए वो अरबी में। लेकिन जब हमारी तहजीब फैली और फ़ारस और अफ्रीका तक पहुंची, तो वहाँ फारसी ज़बानों में और वहाँ अफ्रीकी ज़बानों में ज़िक्र शुरू हुआ। अगर न शुरू होता तो आज महदूद रहता, चूँकि वहाँ की मकामी ज़बानों में शुरू किया गया तो वो तहजीब भी आगे बढ़ी, बल्कि उसमें बरकत भी हुई। उस तबारक अल्लज़ी ने उसमें बरकत भी अता की। और अब जनाब वाला जब फ़ारस से हिंदुस्तान आया काफिला और कारवां, तो वहाँ की मकामी ज़बानों में ज़िक्र बयान शुरू हुआ, नाहो मरसिया शुरू हुआ। अब जब यूरोप गया है काफिला आपका, और अमेरिका गया है और कनाडा गया है और ऑस्ट्रेलिया गया है और जापान गया है और चीन जा रहा है और नहीं गया है तो जाना चाहिए, और वहाँ की इलाकाई ज़बानों में आपको इस ज़िक्र बयान को आम करना चाहिए। तो बहरहाल जब मैंने ये बात वहाँ की तो पहले तो बुज़ुर्गों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए भी मैं बुज़ुर्गों से ख़िताब नहीं करता कि हमारी बहुत सी बातें बुज़ुर्गों को अच्छी नहीं लगती। नौजवान तो मान लेते हैं सर झुका के। और जनाब वाला बुज़ुर्गों ने कहा नहीं मुमकिन नहीं है, एक जुमला कहा, कहा अंग्रेज़ी में सब कुछ हो सकता है लेकिन जब बयान मसायब होता है तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। ये सब कहते हैं, इसलिए मैंने ये जुमला कहा कि वो सोज़ो गुदाज़े ज़िंदगी, वो तासीर ईमान, वो जमाल व जलाल ज़िक्र जो आपकी तबीयतों ने जज्ब किया है, वो अपनी नस्लों को मुंतकिल कीजिए इस तरह के वो उस ज़बान में जो इस जलाल व जमाल ज़िक्र व बयान से महरूम है। जो इस सोज़ो गुदा से ज़िंदगी से महरूम है। बहुत लिखा शेक्सपियर ने, हर दौर में याद किया जाएगा, मगर अभी करबला नहीं लिखी गई है अरब अंग्रेजी ज़बान में, अभी करबला का बयान नहीं हुआ है उस सतह पर जिस सतह पर होना चाहिए। इसलिए अंग्रेजी जरूर पढ़ाइए, मैं तशजीह दिलाता हूं, जरूर पढ़ाइए अंग्रेजी मगर उस सतह की। बहरहाल बात कहीं से कहीं पहुंच गई। आपके हर बच्चे में सलाहियत है शेक्सपियर बन जाने की, क्यों मायूस होते हैं? कुव्वत से फैलियत तक पहुंचने की सलाहियत है बच्चों में, बच्चों की तरबियत का हुनर सीखिए। और जब तरबियत की बात आई है तो अब ये जुमला कहे बगैर कैसे आगे बढ़ जाऊं? अबू ज़र मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में, दिमश्क की गलियों में, जहां गए हर शहर में दीवाना वार, गली गली कूचा कूचा टहल टहल कर, घूम घूम कर,
एक सदा बुलंद किया करते थे, अद्दबू औलादकुम अला हुब अली इब्न अबी तालिब, अपने बच्चों की तरबियत करो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब पर। निसाब तालीम जो भी हो, निसाब तालीम जो भी हो, निसाब तरबियत में यह जुज्वे लाजिम है। निसाब तालीम जो भी हो, निसाब तरबियत में यह जुज्वे लाजिम है, बल्कि जुज्वे आजम है। इसलिए कि वो नफ्स कुदसी सिफात जो मजहर सिफात किबरिया है, अगर उसकी मोहब्बत ना होगी तो जिंदगी में सिफतें और कदरें पैदा कहां से होंगी, जिन्हें आप अखलाकी कदरें कहते हैं, जिन्हें आप इंसानी कदरें कहते हैं, जिन्हें आप सोज़ो गुदाज हयात कहते हैं, वो पैदा कहां से होगी जी। तो बहरहाल कुव्वत से फ़ेलियत तक की बात समझ में आई कि हर शय में सब कुछ बनने की इस्तेदाद है। बड़ा अजीब मसला है, बहुत दकीक मसला है, हयूला और सूरत और क्या क्या वो सब आगे छोड़कर। कोई भी जर्रा उठा लें आप, जर्रा खाक का जर्रा, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि किसी फिजिक्स के पास, फिजिक्स दान के पास ले जाएं, उस खाक के एक एक जर्रे में क्या क्या बनने की सलाहियतें हैं, याद रखिएगा, खाक के एक एक जर्रे में न जाने क्या क्या बनने की सलाहियतें हैं, मगर बना वो सकता है जो सलाहियतों से भी वाकिफ हो और सलाहियतों को परवान चढ़ाना भी जानता हो। इसीलिए हर शख्स अपनी हथेली पर संग्रेजों को उठा ले तो उन्हें नुत्क बयान अता नहीं कर सकता, मगर मुस्तफा उठा ले तो संग्रेजे कलिमा पढ़ने लगते हैं, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ तक आप इस वाकये को सिर्फ मौजजा समझते होंगे, मौजजा तो है, मगर आप अकीदतन ना समझें, इल्मी बुनियाद भी मौजूद है। इल्मी बुनियाद यह है कि कुव्वत मौजूद है, इस्तेदाद मौजूद है, सलाहियत छुपी हुई है, बस जरूरत उस कादिर की है, जरूरत उस मुरब्बी की है, जरूरत उस आलिम की है, जरूरत उस मुतनफ्फिस की है जिसके फैजान अनफास से, जिसके जेर दामा वो सलाहियतें परवान चढ़ें। और दूसरी बात तेजी के साथ, क्योंकि वक्त गुजर रहा है तो बयान को भी मुख्तसर कर रहा हूं, कि जब हर शय में कुव्वत मौजूद है, सिर्फ उसको फ़ेलियत में बदलना है, तो जाहिर है कि कुछ एक आम असबाब का सिलसिला है, आम असबाब का सिलसिला है। आपको बेटा चाहिए, 9 महीने से पहले नहीं मिलेगा, एक कतरा, उसी में आंख भी है, उसी में पूरा जिस्म है, एक कतरा, एक कतरा, एक कतरा है नादीदा, उर्फन उसमें इतने बड़े इंसान की गुंजाइश है और समाई है, बिल कुव्वा, वो नुतफा इंसान है, मुकम्मल है, मगर बिल कुव्वा,
उसे मुनासिब माहौल मिलेगा, रहम मादर मिलेगा, मुनासिब गिजा मिलेगी, लुत्फ इलाही शामिल हाल होगा, अम्र रब्बी शामिल हाल होगा। तो वो बिलफेल एक मौलूद बशरी हो जाएगा, और फिर वो बिलफेल मौलूद नौ मौलूद बिलकुवा आलिम है। अब ये नौ मौलूद जो बिलफेल नौ मौलूद है बिलकुवा स्कॉलर है। गौर फरमाया आपने, अब ये मालूम हुआ कि एक सिलसिला असबाब का है जो ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मान का पाबंद है, यानी इस दुनिया में इस स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्स में इन ज़मानी और मकानी शराइत में किसी चीज को कुव्वत से फ़ेलियत तक पहुंचने में मखसूस अरसा गुजारना पड़ता है, मखसूस ज़र्फ़ दरकार होता है। मगर अगर कोई ऐसा साहिबे मेराज हो कि जो जमानो मकान के शराइत पर तसर्रुफ करता हो तो वो सिलसिले असबाब को कम भी कर सकता है, वक्त को मुख्तसर भी कर सकता है। अभी बोझ बीज बोया, अभी दरख्त खड़ा हो गया, अभी फल आ गया, ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? सिलसिला असबाब का मौजूद है, तनाबे वक्त को खींच लिया गया है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना मौजज़ात, ये मौजज़ात है ना, मौजज़ा समझ के। और बहुत से लोग इनकार करते, नहीं ये मौजज़े नहीं है, सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं, सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं। अरे होंगी ज़ईफ़ रिवायतें, हम भी तो ज़ईफ़ हैं, आप भी तो ज़ईफ़ हैं, आपके नकल कर देने से कवी हो जाएगी। अगर कोई ऐसी बात हो कि जिसकी इल्मी बुनियाद ही ना हो तो कितने ही से कह लोग नकल करें वो बेबुनियाद होगी, और अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो बुनियाद रखती है इल्मी तो कितने ही ज़ईफ़ लोग नकल करें वो इल्मी बात अपनी जगह मुसल्लम रहेगी। आखिर विलायत की बातें कितने ज़ईफ़ों ने नकल की, उन ज़ईफ़ों के नकल करने से हदीस विलायत ज़ईफ़ तो नहीं हो गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए हदीस को बैनल इस्नाद वल फिक्र रखना चाहिए, सिर्फ इस्नाद पर नहीं, सिर्फ फिक्र पर नहीं, बैनल इस्नाद वल फिक्र। सनद भी देखें, मतन भी देखें, मुहतवा भी देखें, बात क्या कही जा रही है, बुनियाद रखती है या नहीं, बुनियाद रखती है या नहीं। तो मालूम यह हुआ कि खाक कुव्वत का इस्तेआरा है। क्यों मैं खाक को कुव्वत का इस्तेआरा कह रहा हूं? इसलिए कि जिसमें आदम बनाया गया खाक से, बीज बोते हैं आप कहां, खाक में। दुनिया भर के कैसे कैसे लजीज फल और मेवे मिलते हैं, किस कदर लजीज फल मेवे, हर फल की लज्जत जुदा, हर फल की शक्ल जुदा, हर फल की खुशबू जुदा, हर फल की तासीर जुदा है? निकल रहे हैं सब उसी जमीन से। मालूम हुआ कि इसमें कुव्वतें पिन्हा हैं, और इसी खाक में मिलाकर, आप तो खाक में मिला दें अपने बीजों को जो खाक पर तसर्रुफ रखता होगा, जब उसकी चश्मे करम हो जाएगी तो वो जो चाहेगा बना देगा। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी
जो तसर्रुफ रखता होगा, जो निजाम ज़मानो मकान पर मुतसर्रिफ होगा। यही फर्क है इब्नुल वक्त में और अबुल वक्त में। यही फर्क है असीर जमा में और साहिब जमा में। जो असीर जमा है वो कुव्वत तसर्रुफ रखता है मगर महदूद, और जो साहिब जमा है वो कुव्वत तसर्रुफ रखता है ला महदूद। एक इंसान कोशिश करेगा फसूल फर्जंद के लिए मखसूस असबाब के साथ, मखसूस तरीके अमल के साथ, मखसूस वक्त के बाद फर्जंद मिलेगा, लेकिन जब उसका इशारा हो जाए तो मरियम के आगोश में ईसा आ जाएंगे, असबाब की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले में। आगोश मरियम में कैसे आ गए ईसा? और ये नहीं कि मरियम को उठाकर फलक पर ले गए, ले जाया गया हो। एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, एक मकाम फिक्र है। मरियम को उठाकर फरिश्ते अर्श पर ले गए हों और वहां से फर्जंद आ गया हो, नहीं, मरियम के कदम इसी जमीन पर रहे, एक दरख्त के साए में रही, लेकिन वो जो जमान व मकान पर तसर्रुफ रखता है, जरूरी नहीं है कि हिसार जमा के बाहर ही तसर्रुफ करे, हिसार जमा के अंदर रख कर वो अपने मौजजात दिखा सकता है। हिसार जमा में रहते हुए आप उसके फयूज से फायदा उठा सकते हैं कि जो साहिब जमा है। साहिब जमा वो है असल में, मालिक जमा वो है, मालिक मकान वो है जो खुद ला मकान है, मालिक जमा वो है जो खुद ला जमा है, मगर वो ला जमानी जात, वो ला मकानी जात, उसने अपने कुछ मजाहिर भी बनाए। हमारी ला जमानी शख्सियत को समझना हो तो उसे समझने की कोशिश करो जो जमाने में रहते हुए नजर ना आए। हम हैं और नजर नहीं आते। तो अब खुलासे गुफ्तगू यह है कि खाक कुव्वत का इस्तेआरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप बीज बोते हैं, वहां बिलकुव्वा होता है बीज, और उसमें सिफत होती है कि कोई मुस्तफा अगर आबियारी कर दे, कोई मुर्तजा अगर आबियारी कर दे, कोई मुजतबा अगर आबियारी कर दे। अगर आम इंसान कोई बाग लगाएगा तो उसके लिए अरसा दरकार होगा, 50 साल का, 20 साल का, 10 साल का, साल, 2 साल का। लेकिन अगर सलमान गिरफ्तार हो जाए और सलमान की रिहाई के लिए जरूरी हो कि फौरन बाग तैयार हो जाए, तो फिर वो क्या करेगा? वो बीज को दहने मुबारक में रखा, लुआवे दहन लगाया और जमीन में डाल दिया। मालूम हुआ कि असबाब को पहचानिए। ये एक लुआब दहन ऐसा था कि इसने तमाम निजाम असबाब की कमी पूरी कर दी, और अब यहां मालूम हुआ कि यह इरादा कुन फयकूनी का मजहर भी है। देखो तो सही उसने अपना कैसा मुकम्मल मजहर बनाया है। मैं मुस्तफा के फजाइल बयान करता हूं इसलिए कि जब तक मुस्तफा के फजाइल समझ में नहीं आएंगे न खुदा समझ में आएगा ना मुर्तजा। मुर्तजा के फजाइल पढ़ूं तो मुस्तफा और खुदा समझ में आता है, मुस्तफा के फजाइल देखिए तो मुर्तजा और खुदा समझ में आते हैं। खुदा के सिफात पर गौर कीजिए
तो ये समझ में आते हैं। ये तो मेरा तालिबे इल्माना तजर्बा है, तो फिर मैं उस हदीस को ज़ईफ कैसे कह दूंगा कि जिस हदीस में हुजूर ने फरमाया अली नहीं पहचाना तुमको मगर मैंने और खुदा ने, नहीं पहचाना मुझको मगर तुमने और खुदा ने, और नहीं पहचाना खुदा को मगर मैंने और तुमने। सनद ज़ईफ होगी, मेरा तो तजर्बा है। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अब गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन अब ये देखिए कि मुस्तफा के फजाइल अगर समझ में आ गए कि अल्लाह ने इन्हें ऐसा बनाया है कि ये कुव्वत को फ़ेलियत में बदल सकते हैं और हर जर्रे में सब कुछ बनने की सलाहियत है, हर शय में हर शय बनने की सलाहियत है। बसीतुल हकीकत कुल्लुल अशिया, ये उसूल मुल्ला सदरा ने दिया, लेकिन मुल्ला सदरा ने अपने जहन से नहीं दिया। कुरान मजीद को पढ़ा, अहादीस मासूमीन को पढ़ा, और उसके बाद इनके मुअजजात पर गौर किया, और हुजले फिक्र में मुअतकिफ रहा, और इहराम विलायत पहन कर काबे मकसूद तक रमा दमा रहा, तब जाकर ये गौहर इल्म से हासिल हुआ कि उसने कहा बसीतुल हकीकत कुल्लुल अशिया, बसीत हकीकत सब कुछ है, और इस आलम तबीई में हर शय में हर शय बन जाने की सलाहियत मौजूद है, मगर बनाने वाले हाथ दरकार हैं। तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तबारक अल्लज़ी बियदिहि अल-मुल्क। तबारक से शुरू क्यों हुई आयत? गौर कीजिएगा, बयान कर चुका, मुस्तफा में जो सिफत है वही उनमें है कि जो जाने मुस्तफा हैं। जितने मौजजात मुस्तफा ने दिखाए वो सब वो दिखा सकते हैं कि जो जाने मुस्तफा हैं। अगर कमी होती तो मिन्नियत का की सनद न देते। कमी होती मनसब अलग है, वो नबी हैं ये इमाम, वो रसूल हैं ये वसी, वो खातम हैं और ये मोहर खातमियत। वो खातम हैं, खातमुन नबीयीन मुस्तफा हैं। जो इसका कायल ना हो वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मगर उसकी नजर इस पर होनी चाहिए कि इन पर नबूवत खत्म हो क्यों गई, क्यों खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई, क्या हुआ कि तमाम नबियों की किताबों में अदल बदल कर कर लोगों ने उसमें तहरीफ पैदा कर दी मगर इनकी किताब में तहरीफ पैदा ना कर सके। क्या हुआ कि तमाम अंबिया की सीरतें बदल कर रख दी गईं मगर इस नबी की सीरत बदल ना सके। क्या हुआ कि सबकी शरीयत बदल दी गई, इस पैगंबर की शरीयत बदली ना जा सकी। क्या हुआ कि मूसा की जिंदगी में गौशाला परस्ती शुरू हो गई मगर मुस्तफा के बाद बुत परस्ती दीन मुस्तफा में दाखिल ना हो सकी। क्या हुआ, ये 12 इमामों की मौजूदगी थी। ये मुहाफिज पैगाम नबी आए, नबुवत खत्म हो गई, वही खत्म हो गई, किताब मुकम्मल हो गई, मगर किताब की हिफाजत करने वाले ये हैं। शरीयत की हिफाजत करने वाले ये हैं। कैसे, कैसे देखो तो, कैसे कैसे हालात में शरीयत को बचाया है।
कैसे कैसे हालात में शरीयत को बचाया। जितने इस्लाम शनास थे, एक जुमला कह रहा हूं, जितने इस्लाम शनास थे हुसैन के हमरकाब करबला में शहीद हो गए। अगर सैयद सज्जाद ना होते तो आज इस्लाम शनासी का सिलसिला बाकी ना होता। गरां गुजरेगा बहुत सों पे ये जुमला, मगर याद रखिए सैयद सज्जाद ने बादे करबला उसूल दीन तालीम फरमाए, फुरूए दीन तालीम फरमाए, उसूल फ़िक्र का दर्स दिया, फ़िक्र का दर्स दिया, वो अफराद तरबियत किए जिनके ज़रिए से शरीयत बाकी रही, तफसीर बाकी रही, तावील बाकी रही, क़ुरान बाकी रहा, क़रअत बाकी रही, तिलावत बाकी रही। आप सैयद सज्जाद के कारनामों का अंदाज़ा नहीं कर सकते। उसूल दीन बाकी रहे। जैसे हालात होते हैं एक माहिर मुरब्बी, वैसे ही हालात में तरबियत करता है। अली को मेंबर नसीब था, खुतबे दिए, तौहीद में खुतबे, नबूवत में खुतबे, कुरान की अहमियत पर खुतबे, कुरान के एजाज पर खुतबे, फरिश्तों की हकीकत पर खुतबे, इमामत की हकीकत पर खुतबे, इस्मत की हकीकत पर खुतबे, आखिरत की हकीकत पर खुतबे, दुनिया और आखिरत के तमाम रुमूज़ पर खुतबात नहजुल बलागा में मौजूद हैं। सैयद सज्जाद को मिंबर नसीब नहीं था, मुसल्ला बिछाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिया। सहीफ़े कामिला दुआओं का मजमुआ है, मगर ये दुआओं का मजमुआ समझते हैं इसने क्या तरबियत की है ज़हनों की। हाँ, जज़ाकुमुल्लाह। आशिकों का यही मिजाज होता है। हम फजाइल बयान कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, हम नाम ले रहे हैं आपकी आंखों से गिरिया, हाँ अश्क रवा हैं, हैं? यही कैफियत होनी भी चाहिए। इनके फजाइल और मसाइब में कोई खत फासिल नहीं है, इनके सब मसाइब फजाइल का हिस्सा हैं, मसाइब फजाइल ही का हिस्सा हैं, मसाइब नकायस नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह, फजाइल का हिस्सा। तो सैयद सज्जाद ने कैसे तरबियत की? दुआ के लिए हाथ उठा दिया। किन किन हालात में सैयद सज्जाद ने तरबियत की है और हक का ऐलान किया है। गालिबन पहली मजलिस में मैंने अर्ज किया था कि ज़ैनब ने वो कारनामा अंजाम दिया करबला में जो रसूल ने गदीर में अंजाम दिया था। इमामत का ऐलान ज़ैनब ने किया, इमामत के सिफात ज़ैनब ने बताए और कार इमामत सैयद सज्जाद ने किया। हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तौक और हाथों में सारबानी फरमा रहे हैं, सारबानी फरमा रहे हैं। वो रिस्मान है कि जिसे लेकर आगे बढ़ो, अजरुकुम अलल्लाह। और बाजार शाम है, बाजार शाम, शाम वो जगह कि जब सैयद सज्जाद से पूछा गया आका आप पर सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ गुजरी, तो फरमाते थे अशाम अशाम अशाम, शाम से ज्यादा मुसीबत कहीं नहीं गुजरी। क्यों? जिस बाजार से गुजारा जा रहा था वहां दुरोया आईने नस्ब कर दिए गए थे। कूफे में तो कोई उम्मे हबीबा आ गई थी पानी पिलाने के लिए, खुरमे खिलाने के लिए, हुसैन के हक़ में दुआ करने के लिए, ज़ैनब के हक़ में दुआ करने के लिए, मगर शाम में कोई नहीं आया, शाम में कोई नहीं मिला जो हुसैन के हक़ में दुआ करता। हाँ, तंज़ व इस्तेहज़ा के लिए लोग आगे बढ़े। एक बूढ़ा आगे बढ़ा, एक बूढ़ा आगे बढ़ा और वो कहता है कि खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें यह दिन दिखाए। अल्लाहु अकबर। अजीज़ो, मैं अक्सर कहता हूँ कि तीर व तबर का ज़ख्म इतना अहम नहीं है आले रसूल के लिए
कि जितना अहम ये जुमलों का ज़ख्म है, ये तंज, ये इस्तेहज़ा, ये इनके खिलाफ शान बातें, ये इनको नऊज़ु बिल्लाह ज़लील और रुस्वा करने की सूरतें, सैयद सज्जाद से कह रहे हैं कि नऊज़ु बिल्लाह, शुक्र है उस खुदा का जिसने तुम्हें ये दिन दिखाया। दिले सैयद सज्जाद पे नैज़ा तो लगा, मगर सब्र किया और तरबियत करने का काम शुरू हो गया। तरबियत करने का काम शुरू हो गया, ये शेख तूने कुरान पढ़ा है, ये शेख तूने कुरान पढ़ा है? और उसने कहा हाँ मैंने कुरान पढ़ा है, मगर तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक? दिल पारा पारा हो रहा है ना। हमसे अक्सर कहते हैं कि देर तक मसाइब पढ़ा कीजिए। अरे मसाइब पढ़ने से पहले सोचना पड़ता है, और वो मनाजिर आंखों के सामने आते हैं, दिल पे बहुत जब्त करके कुछ कहना पड़ता है। हाँ कुरान तो पढ़ा है, मगर तुम्हारा कुरान से क्या ताल्लुक? सैयद सज्जाद ने फरमाया सूरह अहज़ाब में आयतें तत्हीर पढ़ी है। कहाँ आयतें तत्हीर पढ़ी है, मगर आयतें तत्हीर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? फिर फरमाया सूरह शूरा में आए मवद्दत पढ़ी है। قل اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى, कहाँ आयत पढ़ी है, मगर तुम्हारा क्या ताल्लुक? कुरान मजीद में वो मकाम भी नजर में है जहां कहा गया है वातिद अल-क़ुरबा हक, क़ुरबा को उनका हक दे दो। कहां पढ़िए, मगर आपका क्या ताल्लुक? अब इमाम ने अपने मासूमाना लहजे में फरमाया खुदा की कसम वो अहले बैत हम ही तो हैं जिनकी तहारत का ऐलान किया गया है। अरे वो उलुल क़ुरबा हम ही तो हैं कि जिनका हक अदा करने के लिए और जिनकी मवद्दत का हुक्म दिया गया है। एक मर्तबा शेख ने गौर से देखा और कमाल सदाकत मासूम, फिर कोई एतराज न किया, सर से अमामा उतारा और कदमों पर रख दिया। आका बहुत गलती हुई, अजरुकुम अल्लाह। आज सैयद सज्जाद की शब शहादत है। बस आज शब शहादत है। अब देखिए कैसे माहौल में तबलीग हो रही है। कुछ दूर आगे बढ़े, पेसरे तलहा मिला और पेसरे तलहा ने कहा अली इब्न अल हुसैन बताओ कौन जीता कौन हारा। सैयद सज्जाद ने फिर कमाल सब्र और ज़ब्त के साथ कहा पेसरे तलहा कुछ देर इंतजार कर ले, अभी आवाज अजान बुलंद होगी, मालूम हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। तबलीग हो रही है, तबलीग हो रही है। बस अब आज दरबार का खुतबा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि वक्त नहीं आए। सिर्फ दो जुमले, बादे करबला 34 बरस सैयद सज्जाद ने उम्मत की तरबियत की, कुरान सिखाया, उसूल दीन सिखाया, फुरूए दीन सिखाया, अखलाक सिखाया, आदाब सिखाए। और उसके बाद जब दुनिया से जा रहे थे, जहर दिया गया, जहर ने असर किया, तबीयत दिगरगुं हुई, चेहरे का रंग मुतगयर हुआ, औलाद व अहले बैत अक्रबा जमा हुए। एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद ने इमाम बाकिर से कहा मुझे तख्त पर से जमीन पर लेटा दो। तमाम फर्जंदों ने कहा बाबा जिस्म की हालत अच्छी नहीं है, जमीन सख्त है। कहा नहीं, मेरी आंखों से वो मंजर नहीं भूलता, मेरा बाबा सर से पैर तक जख्मों से चूर रेगे घर में करबला पर भरा हुआ था। अब ये मेरा आखिरी वक्त है, मुझे तख्त पर न रखो, मुझे बिस्तर पर न लेटाओ, मुझे जमीन पर लेटा दो। बाप का हुक्म था, इमाम का हुक्म था, बच्चों ने इमाम को जमीन पर लेटाया। इमाम ने एक मरतबा जान जाफरी के सुपुर्द की,
नाला और सेवन बुलंद हुआ, ताबूत उठा। मुख्तसर कर रहा हूं, पढ़ा नहीं जा रहा है। ताबूत उठा, सैयद सज्जाद का जनाजा उठा। मदीने में कोई न था जिसने शिरकत, 20 बरस में इतना माहौल बदल चुका था कि पूरे मदीने में कोई ऐसा न था जिसने जनाजे में शिरकत न की हो। बकी में लाकर दफन किया गया। आखिरी जुमला है, गौर से सुनिएगा, मैं खामोश हो जाऊंगा, आप गिरिया करेंगे। इमाम बाकर से रिवायत है, हमने बाबा को दफन किया और बाबा का एक मखसूस नाका था जिस पर मेरे बाबा ने 20 मर्तबा हज किया था। हमेशा उस पर सवारी करते थे। वो नाका अपनी जगह बंधा हुआ था। उस नाके ने वो मकाम नहीं देखा जहां बाबा को दफन किया गया। मगर जब हम वापस आए तो कुछ देर के बाद देखा कि नाका मौजूद नहीं है। हम तलाश करते हुए निकले, पूरे मदीने में तलाश किया। जब गए तो देखा बाबा की कब्र के पास वो नाका अपना सर जमीन पर भटक रहा है। और कुछ देर के बाद उस नाके ने भी दम तोड़ दिया। फरमाते हैं वो नाका वो था जिस पर पूरी जिंदगी मेरे बाबा ने कभी कोई दुर्गा नहीं लगाया था, कभी कोई ताजियाना नहीं लगाया था। वो मौला जिसने कभी नाके को ताजियाना नहीं लगाया, दुर्रा नहीं लगाया, उस आका पर करबला से कूफा, कूफे से शाम तक इतने दुर्रे लगाए गए। पीठ जख्मी, गला जख्मी, बदन जख्मी रहा, तमाम उम्र जख्मी रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार हमारे जिक्र बयान को कबूल फरमा। माबूद हमारी फरोगुजाश्तों से दरगुजर फरमा। परवरदिगार हमारे आंसुओं को कबूल फरमा ले। जितने बीमार, जितने मोहताज, जितने बेरोज़गार, जितने हाजतमंद हों, उन सब की हाजतों को बरला। माबूद हमारा ये नजराना अश्क सुल्तान जमा की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी ये ताज़ियत वहाँ मकबूल हो जाए। और माबूद हमारे इमाम को इज़्ने ज़ुहूर आता फरमा कि हम उनके हमरकाब दुश्मनान दीन और इंसानियत से जंगो जिहाद कर सकें। متوجہ زیارت الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک